हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम का जितना भी बुक उनके द्वारा लिखा गया है 1998 से लेकर 2017 तक, वो सारे बुक डिस्कस करेंगे। और ये सारे बुक कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो तो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ देख लीजिए। ये हम लोग के 11th प्रेसिडेंट थे, 11वें प्रेसिडेंट थे। इनको भारत रत्न मिला था 1997 में, और पद्म विभूषण मिला था 1990 में, और पद्म भूषण मिला था 1981 में। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में, और ये मरे थे मेघालय शिलोंग में। ये भी क्वेश्चन पिछले साल आया है कि ये कहाँ पर डेट किए थे, तो मेघालय शिलोंग में डेट किए थे, और वो 27 जुलाई 2015 को डेट किए थे। तो चलिए अब इनका बुक देख लेते हैं हम लोग। इनका देखिए 2017 का एक बुक पब्लिश हुआ है, फॉर योर फ्यूचर। तो ये बुक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 2017 में इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ था, इनके मरने के बाद ये बुक पब्लिश हुआ है। और इस बुक में क्या हुआ है, इस बुक में हो ये इनको ईमेल, मेल, फेसबुक से जो भी लोग 300-400 इनको मेल आता था, जो अपने प्रॉब्लम को इनसे शेयर करते थे, तो उसका सॉल्यूशन ये उन लोग को बताते थे कि इस ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये इस बुक में ये सारे मेल, जितने भी प्रॉब्लम होते थे, सबको डिस्कस करते थे। और ये इंडिया का पहला किताब है कि जो ऑनलाइन इसके नाम को डिसाइड किया गया है। फर्स्ट टाइम एवर द टाइटल ऑफ द बुक सेलेक्टेड थ्रू द ऑनलाइन वोटिंग। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फॉर योर फ्यूचर, नेक्स्ट बुक देखते हैं 2017 का। ये बुक पाथवे टू ग्रेटनेस, कमिंग टुगेदर फॉर चेंज। इसमें बताए हैं कि कैसे एक मिलिट्री स्ट्रेंथ या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के अलावा भी किसी कंट्री को मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, एक नेशन में कैसे सबको, मतलब कि मिलजुल कर एक नेशन को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। उस ये बुक उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ये पब्लिश हुआ है उनके मरने के बाद, इसलिए ये भी बुक इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ है, 20 फरवरी 2017 को इस बुक को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, और इसमें हम डेट बाय डेट अरेंज नहीं किए, जो बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखेंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में रखेंगे। तो ये दो बुक था जो 2017 में पब्लिश हुआ, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए 1998 में इन्होंने एक बुक लिखा था, इंडिया 2020, मतलब कि 2020 तक ये मानते थे कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हो जाएगा, उसी पर ये बुक लिखा गया था। तो लिखा कौन था, एपीजे अब्दुल कलाम और YS राजन के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। 2014 में इन्होंने एक बुक लिखा, ये बियॉन्ड 2020, मतलब कि पहला जो 1998 में लिखे थे बुक, वो 2020 तक भारत कैसा होगा, और इस बुक में बताए हैं कि 2020 के बाद भारत कैसा होगा और क्या क्या उसमें हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, उसको क्या क्या चेंज करने का जरूरत है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। 1999 में इन्होंने लिखा है विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इनका ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं 2002, इग्नाइटेड माइंड। ये बुक ऑलमोस्ट इंडिया के सब एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, हालांकि SSC में भी पिछले साल में आया था इग्नाइटेड माइंड का, CHSL में भी ये आ चुका है क्वेश्चन, तो इस बुक को भी देख लीजिए क्योंकि ये बुक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये भी बुक 2006 में इनके द्वारा लिखा गया है। ये ब्रिंग टूगेदर द वैल्यू ऑफ थॉट्स एंड आइडिया ऑफ द प्रेसिडेंट कलाम एंड रिफ्लेक्ट इन हिज स्पीच एंड एड्रेसेस। तो इनके पूरे थॉट्स को इस बुक में दर्शाया गया है, तो ये भी बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बुक देखते हैं माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इन टू एक्शन। ये इनके जर्नी पर बताया गया कि ये क्या क्या संघर्ष किए हैं, कैसे एक छोटे से जगह रामेश्वरम से उठकर भारत के प्रेसिडेंट कैसे बने, वो सारे जर्नी इसमें बताया गया है। ये 2013 में बुक लिखा गया है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है। देखिए 2007 में इंस्पायरिंग थॉट करके एक बुक लिखे थे, इसमें ये थॉट शेयर किए थे, जिसमें से एक थॉट हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूर्य के तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसके तरह जलना सीखिए। तो इस तरह जितने भी थॉट हैं इस बुक में है, तो ये भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, ये कोटेशन टाइप का बुक निकला था 2007 में। देखिए 2000 बुक में 2012 में एक बुक आया था इनका टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट जो है ना,
ये विंग्स ऑफ फायर का ही इनका सीक्वल है, द टर्निंग पॉइंट ये विंग्स ऑफ फायर का सीक्वल बुक है। तो ये भी बुक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर जो है बहुत इम्पोर्टेंट बुक था, जो बहुत ही हमको लगता है ऑलमोस्ट जब बुक आया था तो सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक था विंग्स ऑफ फायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 2008 में इन्होंने दो बुक लिखा था, यू आर बॉर्न टू ब्लूसम, ठीक है, ये चिल्ड्रेंस पे लिखा गया था कि कैसे, मतलब कि एक छोटे छोटे बच्चों पर ये किताब लिखे थे एपीजे अब्दुल कलाम, और उनके साथ और भी थे, अरुण के तिवारी भी थे इसमें, ठीक है। अब देखिए एक और बुक लिखा गया इनके द्वारा, द फैमिली एंड द नेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए देख ले, 2008 में दो बुक ये देख लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में, 2015 में ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी, तो प्रमुख स्वामी जी के साथ जो इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो वो उस चीज को ये इस बुक में दर्शाए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी दोनों द्वारा लिखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में एपीजे अब्दुल कलाम, अरुण तिवारी ऑप्शन में आ जाता है, अरुण तिवारी भी आपको याद रखना होगा क्योंकि इस बुक में अरुण तिवारी का भी योगदान है, को ऑथर में है अरुण तिवारी, मेन ऑथर एपीजे अब्दुल कलाम है मगर को ऑथर अरुण तिवारी है। चलिए 2015 का ये बुक था। देखिए 2005 में दो बुक लिखे हैं, गाइडिंग सोल और एक लिखे हैं द लाइफ ट्री, ये पोयम का बुक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जितना भी पोयम लिखा हुआ उसको बाइंड अप किए थे, तो ये भी बुक इंपॉर्टेंट है। देखिए 2005 में और दो बुक लिखे हैं इन्होंने, रिग्नाइट साइंटिफिक पाथवे टू ब्रिंग ए ब्राइटर फ्यूचर, इसमें बताए हैं कि कैसे, मतलब कि आपको एक प्रॉपर वे पाथ या फिर कैसे आपको किस चीज का करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर जो है एक सही जगह पर पहुंचे, जो आप चाहते हो वो बनो। तो इसमें आपके फ्यूचर के बारे में डिस्कस किए हैं, कैसे उन्होंने कैसे किया और आपको कैसे करना चाहिए। और एक और बुक लिखे थे, एडवांटेज इंडिया फॉर चैलेंज फॉर टू अपॉर्चुनिटी, ये भी देख लीजिए, ये सृजन पाल सिंह, ये दोनों बुक में सृजन पाल सिंह भी हैं को ऑथर के रूप में, तो ये भी बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2005 का बुक है। देखिए एक और बुक लिखा गया 2014 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, द मैनिफेस्टो फॉर चेंज द सीक्वल ऑफ इंडिया 2020, तो देखिए एक 1998 में इन्होंने लिखा था इंडिया 2020, उसी का दो सीक्वल बनाया गया है, ठीक, ये देख लीजिए। देखिए ये पहला 1998 में इंडिया 2020 लिखा गया, 2020 तक का विजन, फिर उसका एक आया था कि 2020 के बाद क्या होगा, और उसी का सीक्वल बना कि 2020 जो बुक है उसका सीक्वल बनाया गया, उसका नाम था मैनिफेस्टो फॉर चेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, एक इसमें बताया गया है कि हर एक नागरिक को कैसे भारत को प्रगति करने में योगदान देना चाहिए, कैसे उनका वोटिंग राइट क्या है, इस चीज के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, ये 2014 में एपीजे अब्दुल कलाम लिखे थे इस बुक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2014 में एक और बुक लिखे थे, द ल्यूमिनियस स्पार्क्स, ये भी अच्छा बुक था, ये पोयम जो था उसमें इसमें डाला गया था, और बायोग्राफी नोट्स जो इनका था उस पर लेकर ये इन्होंने इस बुक को लिखा था। माई इंडिया आइडियाज फॉर द फ्यूचर करके एक बुक आया था ये 2015 में, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है कि फ्यूचर में इंडिया का कैसा हो सकता है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, इस पर लेकर जो इनका स्पीच उस्पीच था उसको लेकर इस बुक को लिखा गया था इनके द्वारा ही। 2008 में इन्होंने ये पहले भी बता चुके हैं, द फैमिली एंड द नेशन 2008 में लिखे थे, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। और 2013 में लिखे हैं, थॉट्स फॉर चेंज वी कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2006 में लिखे थे इन्होंने बुक, चिल्ड्रेन आस्क कलाम, ये बच्चों पर बुक लिखा गया था। 2014 में इन्होंने बुक लिखा, द राइटियस लाइफ सेलेक्टेड राइटर एंड लेक्चरर, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया था, ये द राइटियस लाइफ इन्होंने ही लिखा था, बुक का नाम था। देखिए दो ये बुक लिखा गया है, मिशन इंडिया, ठीक है, ये 2020 एडिशन, ये यूथ के बारे में लिखा गया, देखिए 2020 पर चार बुक लिखा गया, ये चारों इंपॉर्टेंट है, तो ये 2020 वाला जो ये यूथ यूथ पर, मतलब कि बच्चों पर लिखा गया था कि क्या होना चाहिए, क्या पॉजिटिव चेंज होना चाहिए उन लोग में,
क्या चैलेंजिंग वो लोग सब ये कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा, को ऑथर कौन थे इसके, YS राजन थे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे सपनों का भारत एक बुक लिखा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट बुक था, किसी किसी एग्जाम में इसमें पूछा गया है, ठीक है। और एक बुक इन्होंने 1 मार्च 2012 में लिखा था, यू आर यूनिक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।